आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो कब और किसने बनाई है? लेकिन पृथ्वी के जन्म से पहले ही इस ब्रह्मांड का जन्म हो चुका था। तो ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, कितना विशाल है ये ब्रह्मांड, आखिर क्या है इस ब्रह्मांड का रहस्य? ब्रह्मांड में मौजूद ये तारे, ये सूर्य, ग्रह, उपग्रह कहां से आए? धरती का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी बनने के बाद जीवन कैसे अस्तित्व में आया? चांद का जन्म कैसे हुआ? ये पूरा का पूरा खूबसूरत अंतरिक्ष आखिर किसने और क्यों बनाया? हम मानवों को किसने बनाया? आखिर क्या है ये जन्म और मृत्यु का रहस्य? ये जन्म मृत्यु का खेल कब तक चलता रहेगा? धरती के अलावा ये जीवन और कहां कहां हो सकता है? कौन है इस ब्रह्मांड के रहस्य के पीछे? क्या इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है या वैज्ञानिक तथ्य? आज इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड का जन्म। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का जन्म आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। ये सारा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे कण से पैदा हुआ। उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। ये ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। इस धमाके के बाद उठा आग का गोला लगातार फैलता गया, जिससे वो सारी एनर्जी और सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है बिग बैंग थ्योरी के रूप में। बिग बैंग थ्योरी इसलिए भी सही साबित होती है क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी और ब्रह्मांड में फैली इतनी ज्यादा रेडियो तरंगों की मौजूदगी इस सिद्धांत को सच साबित करती है। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा भी होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठे होकर फैलने लगे और तब सबसे पहले स्टार और प्लेनेट पैदा हुए। गैस और धूल के बड़े बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती हैं, वैसे ही ये तार बने। ये इतने गर्म हो गए कि इनमें मौजूद परमाणु आपस में मिल गए। इन तारों में बहुत से मानवीय तत्व भी मौजूद थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम। इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि हम सब बहुत पहले मर चुके तारों से पैदा हुई चीजों से बने हैं। ये चीजें लगातार रिसाइकल होती रहती हैं और तारों के जीने मरने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तब इन तारों ने मिलकर एक छोटी आकाश गंगा बनाई। इन छोटी आकाश गंगाओं ने मिलकर एक बड़ी आकाश गंगा बनाई। इसमें से हमारी मिल्की वे भी एक है। बड़ी आकाश गंगा करीब 11 अरब साल पहले बनी। इसमें करीब अरबों खरबों सूर्य है। हमारा तो सूर्य भी तब पैदा ही नहीं हुआ था। जब कोई तारा मरते हुए चमकता है तो इस स्थिति को सुपरनोवा कहा जाता है। विस्फोट के बाद वापस इसकी धूल, एटॉमिक एनर्जी और राख से फिर किसी नए तारे का जन्म होता है। इस तरह सूर्य का भी जन्म हुआ था। अब बात करते हैं पृथ्वी का जन्म की। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु की लगभग एक तिहाई है। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण आपस में मिलकर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में टकरा कर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस प्रकार पृथ्वी समेत सारे ग्रहों का जन्म हुआ और इसी के साथ सोलर सिस्टम का भी जन्म हुआ। उस समय लगभग 100 से ज्यादा ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टान के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो चुकी थी, जिसके कारण 4.54 बिलियन साल पहले धरती का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय धरती पर केवल कुछ था तो वो पिघली हुई चट्टाने, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। इस समय धरती की सख्त सतह की जगह सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ उबलता उफनता हुआ लावा था। कुछ समय बाद एक थिया नामक स्टेरॉइड धरती की तरफ 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। आकार में ये मंगल ग्रह जितना बड़ा था। टक्कर के बाद बहुत भयंकर धमाका हुआ। कई हजार साल तक ग्रेविटी के कारण धूल, मलबा, चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहे और ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले गए। जुड़कर इसने एक गेंद नुमा आकार ले लिया, जिसे हम आज चांद कहते हैं। उस वक्त का चांद आज के चांद से 100 गुना ज्यादा चमकदार था और आज के मुकाबले तब चांद 10 गुना पृथ्वी के पास था।
यानी सिर्फ 22,000 किलोमीटर ही दूर था। पृथ्वी की ग्रेविटी उस चांद को अपने इतने पास रखी हुई थी। इसके बाद 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी का जन्म होने के बाद अंतरिक्ष में इधर उधर फैली चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से ये जो उल्का पिंड गिर रहे थे उनमें कुछ अजीब से क्रिस्टल मौजूद थे जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र का पानी इन्हें गिरने वाले उल्का पिंडों के अंदर मौजूद नमक से निकला। लेकिन यहाँ पर एक ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से धरती पर विशाल महासागर कैसे बन गए। तो इसका जवाब यह है कि धरती पर उल्का गिरने का सिलसिला कोई एक दो दिन या कुछ महीने या वर्षों का नहीं था, बल्कि उल्का पिंड धरती पर लगातार 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने से धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी। आग उगलती चट्टानें ठंडी होकर सख्त होने लगी। धरती का टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती के वातावरण में बदलाव आने शुरू हो गए थे। चांद धरती के इतने पास था कि चांद की ग्रेविटी के कारण समुद्र की लहरें भी आज से 1000 गुना ऊंची उठती थी। लहरों के टक्कर की वजह से चांद पृथ्वी से दूर होता चला गया। समय बीतने के साथ साथ समुद्र की लहरें भी शांत हो गई। ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे, लेकिन उल्काओं की बारिश अभी भी लगातार जारी थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का कुछ ऐसे खनिज पदार्थ भी धरती पर ला रहे थे जिससे जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी। वो पदार्थ थे कार्बन और अमीनो एसिड, जिससे मौजूदा पानी में केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया का जन्म हो चुका था। धीरे धीरे समुद्र की सतह के नीचे लगभग 3.5 बिलियन साल पहले स्ट्रोमेटोलाइट्स नामक पत्ते उग गए थे। ये स्ट्रोमेटोलाइट सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाने और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके इसी के साथ ही ऑक्सीजन छोड़ते, जिससे समय बीतने के साथ साथ पूरा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया। अब ऑक्सीजन लहरों के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो महत्वपूर्ण गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं थी। आज भी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन मिल्की वे के किसी और हिस्से से यहाँ पर आया होगा। लगभग 1.5 बिलियन साल पहले धरती का एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे लावे ने धरती की प्लेटों को गतिमान कर दिया, जिससे ये प्लेटें आपस में जुड़ती चली गई और महाद्वीपों का जन्म हुआ। आज से 400 मिलियन साल पहले पृथ्वी का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडीनिया तैयार हुआ। इसके बाद 750 मिलियन साल पहले धरती की सतह पर एक भयंकर हलचल हुई, जिससे सुपर कॉन्टिनेंट को दो टुकड़ों में बांटा गया, पहला साइबेरिया, दूसरा गोंडवाना। समय बीतने के साथ साथ धरती पर स्थित सागर का पानी नीला दिखने के कारण पृथ्वी नीला ग्रह बन गई। पेड़ पौधे उग चुके थे, डायनासोर का जन्म हो चुका था। इन डायनासोरों ने धरती पर 10 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया। इसके बाद एक बार फिर से इतिहास दोहरा गया। धरती की फिर से एक विशाल स्टेरॉइड से भयंकर टक्कर हुई, जिसने डायनासोर का धरती से पूरी तरह से खात्मा कर दिया। एक बार फिर से धरती का वातावरण बदला। पृथ्वी का वातावरण सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों के विकास की, जो आज तक चल रही है। इसके बाद लगभग 35 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। करीब 40,000 साल पहले एक विकसित मानव जाति होमो सेपियंस का जन्म हुआ। वही होमो सेपियंस आज हम मनुष्यों का पूरी तरह से विकसित रूप है। सृष्टि का सृजन हुए लगभग 13.5 अरब साल हो गए हैं, लेकिन इंसान के वजूद का अभी तक कोई अता पता नहीं। धरती के जन्म के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।